जो डरी नहीं, जो पीछे नहीं हटी और जिसने अपनी बात बुलंदी से रखी। मुस्कान इस वक्त मेरे साथ है, सीधे मुस्कान से बात करते हैं कि मुस्कान कल से लेकर आज तक कर्नाटक से जो आवाज निकली है वो इस आज की तारीख में पूरे देश में पहुंच चुकी है और विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। भारत में दो तरह से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, आप कैसे देखते हैं और कल क्या घटना हुई थी वो जरा आप हमें बताइए। मैं कल एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाते हैं मैं वैसे कॉलेज को गई थी। वहाँ बाहर ही लड़के मुझे ग्रुप बना के बोल रहे थे कि तुम बुर्खा नहीं पहन सकती, अगर तुम बुर्खा पहनी तो कॉलेज के अंदर नहीं जाना, इतना इंटरेस्ट है तुम्हें बुर्खा पहनने का तो वापस घर को चले जाओ। ऐसे हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। फिर भी मैं अंदर गई, फिर गाड़ी पार्क की, फिर जब मैं आ रही थी मैं सोची क्लास को ऐसे ही चले जाऊं, लेकिन वो लड़के शॉल लेके मेरे मुंह पे सब आके जय वो नारा लगा रहे थे, जय श्री राम स्लोगन लगा रहे थे और मुझे बोल रहे थे तू इधर से चले जा बुर्खे में, यू आर नॉट अलाउड करके मुझे ऐसे कर रहे थे। अच्छा, आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वहां पर सेकंड ईयर है या ग्रेजुएशन आपका, दो सालों में कभी ऐसा हुआ था कि कभी आपको रोकने की कोशिश? कभी नहीं, मेरा खुद का प्रिंसिपल, लेक्चर सब मेरे साथ है, सब मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये थोड़े बहुत आउटसाइडर्स जो आके ऐसे तमाशा कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आपके बुर्के और आपके हिजाब पर सवाल खड़े कर रहे थे, क्या आप उसमें से कुछ लोगों को जानती थी, पहचानती थी, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या सारे के सारे आउटसाइडर्स थे? मैं किसी को पहचानती नहीं थी, सारे के आउटसाइडर्स नहीं थे, थोड़े बहुत कॉलेज के थे, थोड़े बहुत ज्यादा आउटसाइडर्स थे, लेकिन थोड़े बहुत कॉलेज के भी थे जिनको भड़काया जा रहा है कि ऐसे सब कुछ क्रिएट कर रहा है, तमाशे कर रहे हैं सब लोग। सब लोग तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सवाल नहीं की कि अगर मुझे कॉलेज मेरा कहता है, ये कॉलेज का नियम आ जाएगा, कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो हम उसका पालन करेंगे, लेकिन एक आउटसाइडर, एक स्टूडेंट को यह हक किसने दिया कि वो तय करेगा कि आप हिजाब पहनेंगी नहीं पहनेंगी, आप बुर्का पहनेंगी या नहीं पहनेंगी? आपने सवाल नहीं किया उनसे? सर, मुझे सवाल करने का मौका तक नहीं दे रहे थे वो, ऐसे क्राउड में मुझे अटैक, 40 से 50 लोग थे, मैं अकेली लड़की, मैं जा रही थी ऐसे शॉल उड़ा के, वो उनका स्लोगन करके मेरे पास आ रहे थे, बोले बुर्का कार्ड, बुर्का कार्ड, हिजाब कार्ड, ऐसे ऐसे मुझे धमका रहे थे, लेकिन हमने नहीं हारा। अच्छा, तो जब 30-35 लोग एक अकेली लड़की को, आप ऐसा भी नहीं कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप 20 साल के आसपास आपकी उम्र है, अकेली लड़की को जब घेर कर इस तरह से आपको परेशान करने की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक वक्त के लिए भी डर नहीं लगा? नहीं, क्यों डरना, जब हम हमारे सही इसमें है तो क्यों डरना, ये मेरा राइट है, मेरे प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, मेरे लेक्चर ने कुछ नहीं कहा, तो ये होते कौन है जो हमको क्वेश्चन करें, तो मुझे डरना है। तो अगर आपका कॉलेज कल को ये रूल बनता है यहाँ पे, अगर आपका कॉलेज, आपका प्रिंसिपल, आपका आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये रूल बनाएगा, तो क्या मुस्कान इस रूल को फॉलो करने के लिए तैयार है? सर, रूल नहीं, हम ऑर्डर को वेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर। मुझे यकीन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी किसी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, दे डोंट गो अगेंस्ट द रिलीजियंस, सो हम बिलीव कर रहे हैं, हम ट्रस्ट कर रहे होंगे उनके पर। अच्छा, आपका मुद्दा अब सिर्फ कर्नाटक का मुद्दा नहीं, देश में बहस छिड़ चुकी है और राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में भी, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे तमाम नेता हो, अब आपका नाम ले रहे हैं और इस घटना का जिक्र कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या इस घटना का राजनीतिकरण जैसा हो रहा है वैसा होना चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं या आप असहमत हैं और आप चाहते हैं कि इस घटना का राजनीतिकरण ना हो? मैं लड़ रही हूँ मेरे राइट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, इसको लेके कुछ मतलब कम्युनलिज्म कर रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में कर रहा है, प्लीज अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, डू नॉट क्रिएट दिस, आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर एनी कम्युनलिज्म, आई एम जस्ट स्टैंडिंग फॉर माय एजुकेशन, फॉर माय राइट्स। इसको दो धर्मों के बीच में बांटने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को क्या जवाब देंगी, फिर मैं कुछ और आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं, मतलब नहीं करना वो सब, इट्स नॉट गुड, आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर माय राइट्स, फॉर माय एजुकेशन, ये लेके तमाशा कर रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं, ऐसे कुछ बहुत भड़का रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच, ऐसे मत कीजिए, ऑल आर इक्वल। क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस खाई को पैदा करना चाह रहे हैं इन दोनों धर्मों के लोगों के लिए? और एक सवाल ये कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, पाकिस्तान इस घटना को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है, भारत की बेटी जिसने ये देखा है वो बेटी क्या सोचती है, वो बेटी पाकिस्तान को कैसे जवाब देगी? ये इंडिया की कंट्रोवर्सी है, मुझे तो भरोसा है। विपिन, एक सवाल इनसे ये भी पूछिएगा, उडुपी में जो हुआ था वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कहा था कि आप कैंपस में तो हिजाब पहन सकती हैं लेकिन क्लासरूम में मत पहन रहा है। मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा गौरव, आपका सवाल मुझसे
ठीक है, मैं पूछूंगा, पाकिस्तान जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे और करारे शब्दों में कैसे जवाब देंगे आप? सर मैं किसी को कुछ जवाब नहीं दूंगी, मुझे बस मेरा एजुकेशन चाहिए, मुझे मेरा राइट चाहिए। नहीं, हमारे देश के मामले में जिस तरह से पाकिस्तान दखल देने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के मंचों पर यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्या आप इस बात से सहमत है? पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे? I am proud to be an Indian. इंडिया में बहुत लड़कियों की इज्जत है, ऐसा नहीं है कि कोई इज्जत नहीं करता, सब इज्जत करते हैं। Proud to be an Indian citizen. But ये चंद लोग हैं जो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान को हक है इस मामले में इस तरह से दखल देने का, आप कहेंगे कि वो अपने अपने देश के बारे में सोचे, भारत के बारे में ना सोचे? नहीं, हक नहीं है पाकिस्तान को हमारे इसमें आने का, ये इंडियन कॉन्ट्रोवर्सी है, हम संभाल लेंगे। अच्छा, उडुपी में जहां से ये विवाद शुरू हुआ 6 जनवरी की वो तारीख, और उडुपी जो मैंगलोर में पढ़ता है, वहां कुछ बच्चियां कॉलेज के अंदर पहुंचती हैं, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि हमारा नया जो ड्रेस कोड आ चुका है, आप कॉलेज के अंदर कमरे के अंदर हिजाब पहन के एजुकेशन नहीं ले सकते, क्योंकि एक कॉमन पॉलिसी है सबके लिए, क्योंकि हर धर्म का अलग ड्रेस कोड है, कोई कहेगा हम धोती कुर्ता पहन कर आएंगे, कोई कहेगा कुर्ता पजामा पहन कर आएंगे, कोई इस तरह हाफ पैंट में आएगा, तो फिर रूल फॉलो नहीं हो सकता है। वहां जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अगर कर रहा था, आप उसको कैसे देखते हैं, और अगर इस तरह का रूल आता है तो आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार है? सर मैंने बोला ना, क्लासरूम के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। क्लासरूम के अंदर ठीक है, हम इजाब का ये कर लेंगे क्लासरूम के अंदर, लेकिन कैंपस में हमें एंट्री ही नहीं दे रहे, उधर खड़के सब बोल रहे इधर ही काटो, मतलब क्या है, मतलब ह्यूमैनिटी ही नहीं है। मैं अकेली लड़की, 40-50 लोग मुझे घेरे हुए थे और मुझे बोल रहे हैं बुरखा काटो, निकाब काटो, हिजाब काटो और फिर तुम अंदर जाओ, दिस इज नॉट फेयर। ये गलत है, लेकिन अगर ये रूल आता है कि आप क्लासरूम में बैठकर जब आप आ जाए अपने क्लासरूम के अंदर, तो आप शिक्षा जब आप लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उस वक्त आप हिजाब और बुरके में नहीं रहेंगे, जो ड्रेस कोड सारे बच्चों के लिए होगा, उस ड्रेस कोड को हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। सर हिजाब इज आवर प्रायोरिटी, हम जब फैसला आएंगे तब बात करेंगे सर उस बात पर। कुछ नेता इस पर रोटियां सेक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वहां पर इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, आपके रील्स शेयर किए जा रहे हैं, ऐसे लोग जो दो धर्मों के बीच खाई पैदा करने का और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मुस्कान क्या बोलेंगी? मैं वही बोल रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, प्लीज डू नॉट क्रिएट दिस, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर एनी कम्युनलिज्म, आई एम फाइटिंग फॉर माय राइट, आई एम फाइटिंग फॉर माय एजुकेशन, सो एंड आई जस्ट होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड, डू नॉट क्रिएट दिस। आप यही पैदा हुई, यही पली बड़ी, कभी ऐसा फील किया था आपने कर्नाटक में रहते हुए, मड़िया में रहते हुए, कि किस तरह से कभी इस तरह का माहौल, इस तरह की चीजें आपने कभी? सर यही तो छोड़ो, जब हम इंडिया में पैदा हुए, मतलब इंडिया इज अ यूनिटी, इंडिया इज अ पीस एंड लविंग कंट्री, सो ये सब नहीं होगा करके भरोसा था, पता नहीं अचानक से कुछ ऐसे लोग आए जो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा सर।